हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। इससे पहले हमने हिंदी व्याकरण में विशेषण पढ़ा और आज से हम संधि यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। एक नया टॉपिक है। तो देखिए, संधि क्या होता है। ठीक है, तो संधि शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, संधि का मतलब है मेल। ठीक है, संधि का मतलब होता है मेल। और व्याकरण में संधि का अर्थ होता है दो से अधिक, दो या दो से अधिक ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, विकार से जो शब्द उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, रमा धन ईस। ठीक है, क्या लिखा है, रमा धन ईस। ठीक है, तो हमने क्या कहा, संधि शब्द का अर्थ क्या है, मेल। व्याकरण में संधि का अर्थ क्या होता है, दो या दो से अधिक ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल को, मेल से उत्पन्न परिवर्तन या विकार से होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, रमा धन ईस, तो रमा धन ईस से मिलकर आपका रमेश बना। अब कौन से नियम है उनको हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल आप इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। गिरी धन इंद्र, तो गिरेंद्र। ऐसे ही पर धन उपकार, परोपकार। तो क्या क्या यहाँ पर मेल हुआ है, इसका अंतिम वर्ण क्या है, मा। यहाँ पर क्या आया है, आ, और इसका प्रथम वर्ण क्या है, ई। आ धन ई आपका ए होता है। कैसे होता है, नियम आगे पढ़ेंगे। गिरी धन इंद्र, तो गिरी ई धन ई, तो ई धन ई मिलकर बड़ी ई बनाता है। ऐसे ही अ धन उ, तो अ और उ का मेल बनता है ओ। ठीक है, ऐसे ही इति धन आदि इत्यादि, ई और आ का जो मेल है वो आपका बनाता है या। ऐसे ही सदा धन एव, तो सदैव। अ आ धन सदा, आ का उच्चारण आया, धन ए सदैव, तो क्या हो जाएगा आपका ए। सु धन आगत स्वागत, उ धन आ, तो हो जाएगा वा। तो आपने यहाँ पर उपर्युक्त उदाहरणों में पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि के जो परस्पर मेल से जो परिवर्तन या विकार आ गया है, यही परिवर्तन आपका क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। हमने क्या किया, दो शब्दों को जोड़ा, उन शब्दों के जो प्रथम शब्द था उसका लास्ट अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के मेल से किसी शब्द में जो परिवर्तन आ जाता है। देखो यहाँ पर क्या था, पहले रमा था और ई, तो इस मा और ई यानी कि आ और ई के मेल से आपको ए मिला, तो रमेश शब्द क्या बन गया, क्या परिवर्तन आया, रमा धन ईस मिलकर रमेश बना। तो ये परिवर्तन आ गया, यही आपकी संधि है। गिरी छोटी ई और इंद्र, तो ई धन ई मिलकर के बड़ी ई, तो गिरेंद्र। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि के परस्पर मेल से परिवर्तन या विकार आ गया है, यही परिवर्तन आपका संधि कहलाता है। इसलिए यहाँ पर संधि की परिभाषा क्या लिखी है, दो वर्णों अथवा ध्वनियों के परस्पर मेल से उसके मूल रूप में परिवर्तन या विकार संधि कहलाता है। इतना आप उदाहरण लिख लीजिए, बाकी इनको तो हम बताएंगे नीचे किस प्रकार से ये होता है, इनके अलग अलग नियम हैं। ठीक है, संधि के भेद में इसको पढ़ेंगे। तो क्या कहा गया है, दो वर्णों अथवा ध्वनियों के परस्पर मेल से। ठीक है, वर्ण या ध्वनि एक ही चीज है, तो दो वर्ण या ध्वनियों के मेल से उनके मूल रूप में उत्पन्न विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपने लिख लिया होगा, ये परिभाषा है संधि की कि दो वर्णों अथवा ध्वनियों के परस्पर मेल से उसके मूल रूप में उत्पन्न विकार यानी कि उसके मूल रूप में कुछ परिवर्तन आ जाता है, कुछ विकार आ जाता है, इसी को हम संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने रमा धन ईस, दो
शब्दों को मिलाया, लेकिन इन शब्दों में नहीं, शब्दों में क्या हुआ, मिला कौन सा, पूरा शब्द नहीं मिला, विकार यहाँ पर आया आ धन ई, ठीक है। इन दोनों वर्णों के मेल से जो विकार आया है उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम संधि कहते हैं, ठीक है। संधि केवल दो ध्वनियों, यहाँ पर नोट करके लिखेंगे, संधि केवल दो ध्वनियों स्वर या व्यंजन के बीच होती है, ठीक है ना, शब्दों के बीच नहीं। संधि होते समय ध्वनियों में परिवर्तन आ जाता है, शब्दों में नहीं होगा परिवर्तन, बल्कि दो ध्वनियों में, दो वर्णों में परिवर्तन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर संधि क्या कहा गया है, केवल दो ध्वनियों स्वर या व्यंजन, वो ध्वनि आपकी स्वर या व्यंजन हो सकती है, के बीच होती है ना, दो शब्दों के बीच में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, बल्कि दो ध्वनियों के बीच में, दो ध्वनियों के बीच में परिवर्तन होता है यहाँ पर, ठीक है। अब संधि विच्छेद आप कैसे करेंगे, उसको डिसज्वाइंट कैसे करेंगे, संधि जब आपने किया है परिवर्तन कैसे होगा जब आप उसको तोड़ेंगे, संधि विच्छेद कैसे करते हैं, दो वर्णों के परस्पर मेल से बने नए शब्द को पुनः पहले वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है, यहाँ पर संधि विच्छेद ही आपको आता है। तो जब आप दो वर्णों को, दो शब्दों को मिलाएंगे तो पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के बीच में एक परस्पर क्रिया होती है और वहां पर दोनों जो है एक बदलाव उसमें आ जाता है, एक परिवर्तन आ जाता है, उसी को संधि कहते हैं। अब जब एक नया शब्द बनेगा उस नए शब्द का आप कैसे विच्छेद करेंगे, उसको कैसे फिर से तोड़ेंगे, तो जैसे यहाँ पर लिखा था अधिकांश, तो इसका विच्छेद किया अधिक धन अंश, निषेध नि धन शेद, सूर्योदय सूर्य धन उदय, ठीक है। इसी प्रकार से अन्य शब्द भी यहाँ पर है, ठीक है। तो यह है संधि और यह संधि विच्छेद कैसे किया जाता है। अब आगे हम डिटेल में संधि के बारे में पढ़ेंगे कि संधि क्या है, कितने इसके भेद हैं। संधि तो हमने पढ़ लिया है, अब संधि के भेद क्या क्या हैं, इन्हीं के आगे हम इसके नियम भी पढ़ेंगे किस प्रकार से हम। तो देखिए संधि के तीन भेद हैं, कौन कौन से, सबसे पहले आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों को लिख लेंगे, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहला आपका क्या है, स्वर संधि, ठीक है, स्वर संधि। आपने स्वर पढ़े थे ना, स्वर कितने होते हैं, आपने वर्णमाला में स्वरों को भी पढ़ा है, क्या कहा गया है, दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। यानी कि जब दो स्वर आपस में मिलते हैं उसी के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको कहा जाता है स्वर संधि, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, पर धन अधीन, इसके अंतिम वर्ण में किसका उच्चारण आ रहा है, औ का, और इसके अंतिम में औ का, औ धन अ मिलकर आ बनाते हैं। नियम आगे पढ़ने वाले हैं, स्वर संधि के भी अलग अलग भेद हैं। ऐसे ही शुभ धन इच्छा, तो भ अ धन इच्छा, ये ई, तो दोनों ही स्वर हैं, दोनों स्वरों के मेल से एक नया परिवर्तन आया है, अ धन ई ए हो गया है। ऐसे ही दया धन आनंद, दयानंद, तो दया आ और आ, आ और आ मिलकर के फिर से आ बनाते हैं। अति धन अंत, अत्यंत, ए धन अ बना के य बनाता है, वो भी अ का उच्चारण नहीं है, हलंत के साथ, ठीक है। तो ये है आपका स्वर संधि। अब स्वर संधि के भी यहाँ पर पांच भेद बताए गए हैं, ठीक है। आपके पास संधि के कितने भेद हैं, तीन भेद, कौन कौन से, स्वर संधि, दूसरा आपका व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, पहला हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं, दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहा जाता है। और स्वर संधि के भी पांच भेद हैं, कौन कौन से भेद हैं, पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इसको लिख लीजिए जल्दी से, स्वर संधि के भी पांच भेद कौन कौन से, फिर से लिखेंगे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आइए एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला है आपका दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है, यदि हस्व या दीर्घ स्वर, अब आप जानते हैं आपने किसमें स्वरों में पढ़ा है, यानी कि जो आपके वर्ण विचार थे वहां पर हमने हस्व और दीर्घ स्वर पढ़े थे, ठीक है। यदि हस्व या दीर्घ स्वर, अब कौन कौन से होते हैं, अ, ए
उ के बाद अन्य ह्रस्व या दीर्घ स्वर आज आए, इन तीनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर आ जाता है, यानी कि अब यहां से देखिए क्या कहा, यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ ए उ इसके बाद क्या आ जाए, अन्य ह्रस्व या दीर्घ, वो ह्रस्व भी हो सकता है या दीर्घ भी हो सकता है, आ जाए जो भी आए, उन दोनों के मेल से क्या बनता है, आ बन जाएगा, ई बन जाएगा, ऊ बन जाएगा, ये दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, क्या कहा, अ धन अ, अ और अ के मेल से आ बनता है, क्या कहा, अ और अ आ जाए, यानी कि इनके बाद क्या आ जाए, या तो ह्रस्व हो या तो दीर्घ हो। यदि अ के बाद आ भी आ जाए, क्या कहा था, ह्रस्व भी हो सकता है दीर्घ भी हो सकता है, क्या बनता है, परस्पर आ बनेगा। तो अ के बाद यदि अ भी आता है या आ भी आता है तो हमेशा आपका आ ही होगा। इन नियमों को अच्छे से समझ लीजिए, आ धन अ तब भी आपका क्या होगा, क्या होगा, क्योंकि यहाँ यह क्या लिखा है, ह्रस्व या दीर्घ, तो पहले आपका दीर्घ भी आ सकता है, आ आपका दीर्घ है, बड़ी ओ ओ आपका क्या है, दीर्घ है, ई आपका क्या है, दीर्घ है, ठीक है। तो आ के बाद अ तो फिर भी आपके पास आ बन जाता है, और आ धन आ आए तब भी आ बन जाता है। इन चार नियमों को आप लिख लेंगे, अ धन अ आ, अ धन आ आ, आ धन अ आ, आ धन आ आ। अब किस प्रकार से होगा देखिए, मत मत धन अनुसार, तो देखिए इसके अंतिम में किसका उच्चारण आया, अ का, और इसमें भी अ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां पर आपने जोड़ना है मत धन अ, तो अ धन आ, तो क्या हो जाएगा, आ। तो इन दोनों के मेल से इसमें आ बनेगा, क्या बनेगा, आ, और ये आ कहां पर लगेगा, इस पर, तो क्या हो गया है, मतानुसार, ठीक है। ऐसे ही गज धन आनंद, ओ धन यहां पर क्या हो गया है, गज धन आनंद, गज धन आनंद, देखो हमने इनको जोड़ना है, हमने क्या करना है, अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण को जोड़ना है, ठीक है, बाकी नहीं जोड़ना हमने। तो क्या हो जाएगा, गौ धन, गौज, जौ, जौ में किसका उच्चारण आया, ओ का, तो क्या हो गया है, ओ धन आ। अब यहाँ हमने क्या पढ़ा था, यदि ओ के बाद आ आए तब भी आ आता है, ओ के बाद अ आए तब भी आ आता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आ। अब ये आ कहाँ पर जुड़ेगा, इसके अंतिम वर्ण पर, तो गज पर, जौ पर आ की मात्रा लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गजानन, ठीक है, आई बात समझ में। आगे देखिए, सीमा धन अंत, तो देखो मात्रा नहीं देखनी, ऊपर क्या है, तो आ धन ओ, है ना, आ धन ओ क्या होता है, आ होता है, सी मा, अब क्या हो जाएगा, मा, ओ धन आ, धन ओ भी आ ही होता है, ओ आ धन ओ भी आपका आ ही होता है। अब ये आ कहाँ पर लगेगा, इस मो पर, पहले से भी लगा है लेकिन हमें इसको तो लोप करना है, यहाँ पर आप आ लगाएंगे, और इसमें अंक की मात्रा पहले से है तो उसको नहीं हटाना है, तो सीमांत हो जाएगा, ठीक है, और इसको अच्छे से समझेंगे। चलिए यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर हम कर लेंगे इसको। इसी प्रकार से श्रद्धा धन आनंद, तो देखिए क्या हो जाएगा, ध धा आ श्रद्धा धन आनंद। हमने क्या कहा, जब आप संधि करते हैं इन दोनों वर्णों के बीच की आपकी संधि होगी, किस प्रकार की संधि हुई, आ धन आ, आ धन आ भी क्या होता है, आ ही होता है ना। तो इन नियम को आ कहां पर लगेगा, वो आ इस पर, तो आप क्या कर लेंगे, इसमें चलिए मैं यहां पर लिख दूं, श्रद्धा नंद, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, श्रद्धा नन, इस ध पर आ लगाना है। ऐसे ही जब आप बात करें यहाँ पर
देखिए परम धन अर्थ, परम धन अर्थ, तो संधि इन दोनों के बीच की, अ धन अ, अ धन अ आ, और ये आ कहाँ जुड़ेगा, इस म पर, तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाए, संधि क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ाकर क्या बनेगा, परमा परमार्थ, है ना, और तो हमने जोड़ लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, परमार्थ। समझ में आ रही बात। इसी प्रकार से पर्वत, तो धन आ, तो का मतलब अ से है, औ धन आ हो जाएगा। अब ये आ कहाँ लगेगा, इस वर्ण के साथ, ये तो स्वर है, तो पर्वतारोही, ठीक है। ऐसे ही मैं यदि इसको रफ करूं तो आप इसे भी लिख लेंगे जल्दी से, चलिए आगे देखिए, सेवा धन अर्थ, ठीक है, तो वा यानी कि आ, तो वा का मतलब आ, धन अ, आ धन अ आ, और ये आ किस पर लगेगा, इस पर, तो हो जाएगा क्या, सेवार्थ, ठीक है। तो इस प्रकार से संधि हमने यहाँ पर जोड़ी है। विद्या, आ धन आ, तो विद्यालय, इस आ को और इसको तो हमने जोड़कर बना दिया या, तो विद्यालय, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रथम दीर्घ संधि, जिसमें हम क्या कह रहे हैं, हस्व या दीर्घ स्वर, हस्व या दीर्घ स्वर के बाद अन्य हस्व या दीर्घ स्वर आ जाए तो दोनों के मेल से क्या बनता है, दीर्घ स्वर बनता है। तो ये तो हमने अ और आ की बात की, ठीक है। अब बात करेंगे ए या ए, ठीक है, तो समान हस्व या दीर्घ स्वर, अ और आ की बात हुई। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, छोटी ई, दोनों ही ई जब मिलती है तब भी बड़ी ई बन जाती है, क्योंकि दीर्घ ही स्वर बनता है। छोटी ई और बड़ी ई मिलेगा तब भी ई बनेगा, बड़ी और बड़ी ई मिलेगा तब भी ई बनेगा, ई और ई, यानी कि समान जो स्वर है ना, इस प्रकार से हस्व और दीर्घ, ठीक है, तो छोटी ई और बड़ी ई कहते हैं ना, तो आपके साथ दोनों ही ई जब मिलती हैं, चाहे वो ई ई मिले, छोटी ई छोटी मिले, बड़ी ई छोटी मिले, छोटी ई बड़ी मिले, तो सब में आपका दीर्घ स्वर ही आएगा। ये दीर्घ स्वर है इसका, ठीक है, ये इस ई का दीर्घ स्वर है, ठीक है। अब देखिए, अभी धन इष्ट, तो ई, ये भी छोटी ई, ये भी छोटी ई, तो क्या हो जाएगा, बड़ी ई आ जाएगा, तो अभीष्ट, यहां पर मैं लिख करके कर दूं इसको, अभी धन इष्ट, तो यहां पर संधि किसकी हुई, छोटी ई, और यहां पर भी सॉरी छोटी ई, छोटी ई, तो क्या हो जाता है, छोटी छोटी ई बड़ी ई। अब ये बड़ी ई किसके साथ लगेगा, व्यंजन के साथ लगेगा, तो क्या हो जाएगा, आ भी ष्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा, अभीष्ट, ठीक है। इसी प्रकार से आगे के शब्दों को भी हम देख लेंगे, प्रति धन ई, छोटी ई और बड़ी ई, तो हो जाएगा बड़ी ई, तो इसमें प्रतीक्षा हो जाएगा। नारी धन ईश्वर, तो मिलना आपका बड़ी ही ई है, इन दोनों के मेल से नारी, री रो में बड़ी ई की मात्रा, तो नारीश्वर। ऐसे ही देवी इच्छा, ठीक है। आगे देखिए, रवि धन इंद्र, छोटी ई और छोटी ई, दोनों ही बड़ी ई बनाएंगे, तो रविंद्र अंग की मात्रा पहले से है। मुनि, छोटी ई बड़ी ई, ई मरेगा बड़ी ई, तो मुनीश्वर। योगी जी, ई बड़ी ई की मात्रा, और ये छोटी, ये भी बड़ी ई की मात्रा, तो दोनों ही योगीश्वर, ठीक है। ऐसे ही सती और इच्छा, छोटी ई बड़ी ई और छोटी ई, तो सती इच्छा, तो ये है ई का, ठीक है। अब बात करेंगे ऊ की, तो जब आप,
छोटी उ, ओ और ओ को जोड़ेंगे तो बनेगा ऊ। ओ धन ऊ, तो फिर भी ऊ। ऊ धन ऊ बराबर क्या हो जाएगा? ऊ। ऐसे ही बड़ी ऊ धन ऊ, तो फिर भी ऊ बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए हम क्या लिखें, विधु धन उदय, तो छोटी ऊ और छोटी ऊ, तो बड़ी ऊ बनेगा, तो विधु विधुदय, ध में अब बड़ी ऊ की मात्रा लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मधु, छोटी ऊ की मात्रा और बड़ी ऊ, तो मधुस्मा। बधु धन ऊर्जा, तो बधुर्जा। बधु धन उत्सव, तो बधुत्सव। ऐसे ही अनु, छोटी ऊ की मात्रा और धन छोटी ऊ, तो छोटी ऊ और छोटी ऊ क्या हो जाएगा? बड़ी ऊ। ठीक है, यहाँ पर हम लिख ही रहे इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अनुदित। ऐसे ही लघु धन उर्मी, तो छोटी ऊ और बड़ी ऊ, लघुर्मी। ठीक है, अनु, इन दोनों को मेल करेंगे तो हो जाएगा भू धन ऊ, तो बड़ी ऊ बड़ी ऊ, भूष्मा। भू धन उत्सर्ग, तो क्या हो जाएगा? भूत्सर्ग। तो इन सभी को आप लिख लीजिए, ये है आपका क्या, पहली संधि, संधि के भेद, स्वर संधि का पहला भेद जो आपका दीर्घ संधि कहलाता है। तो यहाँ पर आप जो भी जोड़ेंगे अ के साथ, चाहे आप आ जोड़ें या आ के साथ अ जोड़ें, हमेशा आ आएगा, दीर्घ स्वर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप ई के साथ बड़ी ई जोड़ें या बड़ी ई को बड़ी ई के साथ जोड़ेंगे, हमेशा आपको क्या मिलेगा? बड़ी ई ही मिलेगा। तो पहला इसका भेद है स्वर संधि का, जिसका नाम है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि क्या बताता है कि आप अ को अ के साथ जोड़ें या आ को आ के साथ जोड़ें या अ को आ के साथ जोड़ें या आ को एक अ के साथ जोड़ें, हमेशा आपके पास दीर्घ स्वर आएगा। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो पहली जो संधि है इसका भेद स्वर संधि का दीर्घ संधि है। यहाँ पर यदि अ और आ, अ और अ जुड़े तो आ बनेगा, अ और आ तब भी आ, आ धन अ, आ, आ धन आ, आ, इसको लिख लेना है आप सभी ने। ठीक है, इसके बाद इ धन ई ई, ए धन ई ई, ई ई धन ई, बड़ी ई और बड़ी ई दोनों ही ई बनाएंगे, ई धन ई, तो ई, ओ धन ऊ, आपका क्या हो जाएगा? ऊ। ओ धन ऊ, ये भी ऊ बनाएगा, ऊ धन ऊ, ये भी आपका ऊ बनाएगा, और ओ ऊ और ओ मिला करके ऊ बनाएंगे, यानी कि हस्व या दीर्घ कोई भी हो, आपको हमेशा वो दीर्घ स्वर ही देंगे। दूसरा है यहाँ पर गुण संधि। ठीक है, यदि आपने नोट डाउन कर लिया है तो अब गुण संधि के बारे में हम जानेंगे। क्या लिखा हुआ है? यदि अ या आ के बाद या इ या ई के बाद अथवा री आ जाए, क्या आ जाए? अ या अ आ के बाद। यहाँ पर क्या हो रहा था, शुरू में हमने क्या पढ़ा, इसमें क्या हो रहा था, जो आपका पहला संधि है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में समान, देखिए अ या आ के बाद क्या आ रहा था, आपका हस्व या दीर्घ आ रहा था। अब क्या कहा गया है दूसरे में, गुण संधि में क्या कहा गया है, गुण संधि में कहा कि अ / आ के बाद, यानी अ या आ के बाद यदि बड़ी ई या छोटी ई आए या फिर छोटा ऊ और बड़ा ऊ आए
या फिर री आ जाए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाता है? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ओ या आ के बाद यदि ई या ई आए तो तब आपका ए बन जाता है, ध्यान देना है। ओ या आ के बाद यदि ओ या ऊ आ जाए तो फिर आपका ओ हो जाता है, क्रमशः यानी कि जिस प्रकार से ये दिए हैं। ओ या आ के बाद यदि री आ जाए तो तब आपका अर हो जाता है, बहुत ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, जैसे यहाँ पर देखिए मैंने कहा भी था ओ या आ के बाद ई या ई आ जाए कोई भी तो आपके पास ए हो जाएगा, तो क्या हुआ, ए हुआ। ओ के बाद ई आया ए हुआ, आ के बाद ई आया ए हुआ, आ के बाद बड़ी ई आई तो ए हुआ, इन चारों के लिए ऐसा हो जाता है। वहां दीर्घ संधि में आपने क्या पढ़ा कि वहां पर ओ के बाद या तो आ रहा था या तो आ के बाद ओ आ रहा था, या दोनों में दीर्घ आ रहा था या आपका ह्रस्व आ रहा था। अब क्या है, ओ या आ स्वर के बाद क्या आएगा, या तो ई आएगा या तो ओ ऊ आएगा या आपका री आएगा। तो यदि यहाँ पर क्या आ जाता है, ओ या आ के बाद, जैसे ओ के बाद छोटी ई आई तो ए आ गया, तो इसमें आप कैसे लिखेंगे, गज धन इंद्र तो ओ धन ई, तो इन दोनों के मेल से क्या बनेगा, ए, बताया था ना ए बन रहा है। और ये ए की मात्रा किस पर लगेगी, इस गौ पर, ठीक है ना, क्योंकि ये तो स्वर है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, गज और इस पे ए की मात्रा और ई पे तो पहले से था ही अंक की मात्रा, तो हो जाएगा गजेंद्र। इसी प्रकार औ धन ई, ये भी ए की मात्रा देगा, औ धन ई, बड़ी ई भी होगा तब भी ए, तो सोमेश्वर, ठीक है ना। अब इनके उदाहरण आप लिख लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम एक एक करके इनको समझेंगे नोट में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने आज की क्लास में संधि को शुरू किया है और इसमें हमने संधि के तीन भेद पढ़े हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद स्वर संधि के भी यहाँ पर पांच आपको भेद बताए हैं, कौन कौन से वो पांच भेद हैं जिनमें से हमने दो संधियों को, एक संधि को तो हम पढ़ चुके हैं और दूसरा हमने स्टार्ट किया है, तो उसके कौन कौन से भेद हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। दीर्घ संधि हम पढ़ चुके हैं और गुण संधि के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा है और आगे कल की क्लास में इसको हम नोट में भी पढ़ेंगे, वहां पर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।